नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम अस्थमा से ग्रसित एक पेशेंट प्रिया यादव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 5 साल से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं प्रिया यादव जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की अस्थमा पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया यादव है, मैं इंदौर से हूँ। मुझे 5 साल से अस्थमे की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ कराई, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। जब तक दवाई ली जाती थी तब तक मेरा ट्रीटमेंट चलता था, जब तक मुझे फ़ायदा लगता था उसके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मुझे मेरे रदन अर्पित चोपड़ा जैन ने मुझे बताया, फिर मैंने इनका मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई का ट्रीटमेंट लिया था, जिससे मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बहुत आराम हुआ है सर की दवाई से, इसलिए सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं बताया था सर ने। एलोपैथिक दवाई 3 साल ली, उससे किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं होता था। आराम लगता था, लेकिन जब तक की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। दवाइयाँ लेंगे तो आराम लगता था, नहीं तो हर साल मेरे संग ये सिचुएशन थी कि मुझे एडमिट होना पड़ता था। तो मैंने पंप नहीं लिया था, मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था, लेकिन सर की दवाई लेने चालू करी, अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर का इलाज है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई महंगा इलाज नहीं है सर का, और सर का भी इलाज बहुत अच्छा है। सर का नेचर वाइज तो सर बहुत ही अच्छे हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी। मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि एलोपैथिक दवाई की जगह मॉडर्न होम्योपैथिक सर से मिले और सर से इलाज कराएं, उनका ट्रीटमेंट बहुत निस्वार्थ है। सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, भगवान उनको बहुत ऊपर आगे तरक्की दें और बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी प्रिया यादव जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे लगभग 5 साल से अस्थमा की बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने, यहाँ तक कि डॉक्टर्स द्वारा पंप सजेस्ट कर दिए जाने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 2 महीनों में उन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के अस्थमा पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस प्रिया यादव जी की, जो कि अस्थमा से पीड़ित थी पिछले 5 वर्षों से, जिन्होंने अपने शब्दों में बताया कि उन्होंने काफ़ी सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया पर उसके बावजूद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। उन्हें पफ लेने के लिए बोला गया था और फिर चूंकि उनके जो ब्रदर हैं वो मेरे किसी प्रकार से कॉन्टैक्ट में थे, उन्होंने उन्हें बताया कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट लीजिए। निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमारे यहाँ ठीक होते देखे थे और उसका फ़ायदा उन्होंने अपने बहन को बताया और उसका फ़ायदा ये पड़ा कि मिसेस प्रिया यादव ने केवल 2 महीने का जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया उसकी बदौलत आज भी वो बिना किसी पंप के, बिना किसी पप के, बिना किसी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के, बिना किसी सप्रेसिव ट्रीटमेंट के आज भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपने बारे में आज अच्छे से अपने आप को बता भी पा रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अपने बारे में समझा भी पा रही है। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम कहें तो दुनिया में एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम जो कि एलर्जी से उत्पन्न होने वाला प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारी जो ब्रोंकियोट्रेकियल जो लाइनिंग्स होती है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें एक्सेस म्यूकस का सिक्रेशन होता है, कफ का प्रोडक्शन होता है, उसके कारण काफ़ी सांस लेने में तकलीफ होती है और ये सांस लेने में तकलीफ इस हद तक हो जाती है कि आदमी को ग्रास्पिंग होने के कारण पंप या पप की आवश्यकता के लिए या भी ब्रोंकोडायलेटर का सपोर्ट लेने के लिए बोला जाता है। पर दोस्तों, कुछ समय का जो ब्रोंकोडायलेटर सपोर्ट, पंप या पप का जो सपोर्ट है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो ब्रोंकोडायलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, कुछ समय बाद चूंकि मैकेनिज्म बंद नहीं हो पाता ये प्रॉब्लम फिर से रिकरेंस होता है,
फिर ये प्रॉब्लम इसी तरीके से ये पंप के माध्यम से वापस सप्रेस किया जाता है, फिर रिकरेंस होने लग जाता है, तो कुछ समय में ये बीमारी धीरे धीरे लाइलाज श्रेणी में बदल जाती है और एक तरीके से पेशेंट ताउम्र जिंदगी भर पंप या पप के भरोसे रहने के लिए मजबूर होने लग जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार की जो काफी सारे पेशेंट्स की अगर आपने हमारी हिस्ट्री पढ़ी हो या हमने अपने नेटवर्क में अपने ब्रॉडकास्ट के थ्रू या फिर हो सकता है यूट्यूब में चैनल के थ्रू या फिर हमारे वेबसाइट में काफी सारे पेशेंट के रिव्यू और प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनके नाम और नंबर के साथ उनके बताए हुए शब्दों को अगर आपने समझा हो तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि चाहे वो एक्यूट अस्थमा हो, चाहे मिस्टर सलमान अनपी साहब ने अपने शब्दों में बताया अपने डॉक्यूमेंट्रीज में कि किस तरीके से एक्यूट अस्थमा से पीड़ित थे और मॉडर्न होम्योपैथी से केवल एक महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से आज भी वो स्वस्थ हैं, 3 साल के बाद उनका डॉक्यूमेंट्री प्लान किया गया, 3 साल के बाद उन्होंने अपने बारे में बताया कि वे आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मिसेस फरीदा अनपी जी जो कि सलमान की बड़ी अम्मी जी थी, जो कि पिछले 4 वर्षों से अस्थमा से पीड़ित थी, काफी नडियाद गुजरात में जाकर अलग अलग जगह से उन्होंने काफी सारे ट्रीटमेंट लिए, पंप लेने की मजबूरी हो गई थी, बार बार एडमिट होने की आवश्यकता पड़ती थी और फाइनली उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन गुजार पा रही है। मिस्टर नरेंद्र पाल जी जो कि चाइल्डहुड अस्थमा यानी बचपन से लेके आज तक जो अस्थमा किसी पेशेंट को अगर पीड़ित हो तो उसमें मिस्टर नरेंद्र पाल जी का केस के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो काफी तकलीफ में थे, उन्हें लगभग आदत सी हो गई थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 6 महीने के ट्रीटमेंट से आज भी नरेंद्र पाल जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और बिना किसी पंप के बिना किसी पप के स्वस्थ जीवन गुजार पा रहे हैं। मिसेस अक्षिता जैन जो कि 12 साल से अस्थमा के पेशेंट थी और जिन्होंने काफी सारा इलाज लेने के बावजूद भी जब पूरी तरीके से आराम नहीं मिला तो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ट्रीटमेंट लिया और केवल 10 दिन में उन्होंने अस्थमा से जो इतनी पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे निजात पाया और आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन गुजार पा रही है। इस तरीके से एक और पेशेंट के बारे में हम बताना चाहेंगे जो सर्वाधिक हमने अभी तक कवर किया है, 27 साल से पुराना अस्थमा का इतिहास मिस्टर PN दुबे साहब का जो कि इंदौर के रहने वाले हैं और उन्होंने लगभग जगह जगह ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद जब उन्हें कहीं से भी आराम नहीं मिला तो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट का उपयोग किया और आज भी वो बिना किसी पंप के बिना किसी पप के बिना किसी डर के अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं और अपनी कार्यशैली पूरी तरीके से अच्छे से संपादित भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब कहानियों से अगर हम निचोड़ निकालें तो चाहे एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राइनाइटिस के फॉर्म में हो, साइनोसाइटिस के फॉर्म में हो, टॉन्सिलाइटिस के फॉर्म में हो, फेरेंजाइटिस के फॉर्म में हो, ब्रोंकाइटिस के फॉर्म में हो या फिर अस्थमा के फॉर्म में हो, हमें किसी भी प्रकार से एलर्जी के किसी भी प्रकार के पेशेंट्स के लिए ये एक मैसेज है कि आपको इस बीमारी को दबाना नहीं है, जीवन भर चलाना नहीं है, जीवन भर इन दवाइयों के भरोसे कि एंटीबायोटिक ले लिया, एंटी एलर्जिक ले लिया, स्टेरॉइड खा लिया, एंटी इंफ्लेमेटरी खा लिया, ब्रोंकोडायलेटर ले लिया, एंटी हिस्टामिनिक लेकर आज का डेट में जो भी प्रॉब्लम है उसको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाए और 4 दिन बाद फिर से वो कहानी वापस आने लग जाती है तो हमें फिर से उस चीज को लेने की मजबूरी आती है। उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, केमिकल साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड में कमजोर होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे सप्रेशन होने के बावजूद भी अगर एलर्जी का दुनिया में अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार के काफी सारे पेशेंट, चाहे वो अस्थमा के पेशेंट जिनको हमने काफी सारे पेशेंट के थ्रू थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया, चाहे राइनाइटिस की बात करें तो मिसेस रिंकी सलूजा जो कि 4 साल से राइनाइटिस से पीड़ित थी और एक तरीके से दिन में 100-150 छींकों से अपने आप को तकलीफ में पाती थी, केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से आज भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मिस्टर अतुल गंगराडे जी जो कि साइनोसाइटिस के पेशेंट थे, काफी 15 साल से पीड़ित थे, उन्होंने केवल 1 या 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लिया और आज भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के फायदे से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मिसेस जैनब जो कि बचपन से लेकर आज तक की एलर्जी जो कि राइनाइटिस के फॉर्म में थी पूरी तरीके से आज भी मॉडर्न होम्योपैथी से अपने आप को स्वस्थ पा रही हैं। मिस्टर सुमित गोयल जी जो कि काफी समय से एलर्जी से परेशान थे, उन्होंने काफी सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, अच्छे खासा उन्होंने पैसा भी लगाया उस ट्रीटमेंट में, उसके बावजूद भी जब उन्हें कहीं आराम नहीं मिला तो उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी का 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ किया। मिस्टर विमल पारक जी जो कि 12-15 साल से एलर्जिक थे, काफी क्रोनिक एलर्जी के शिकार थे, उन्होंने भी मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट के ट्रीटमेंट से अपने आप को 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से स्वस्थ पाया। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे अन्य पेशेंट्स के एग्जांपल भी आप हमारे यूट्यूब पर जाकर, हमारे पोर्टल पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर उनके नाम और नंबर के साथ उनकी कहानी पढ़ सकते हैं, उनके रिपोर्ट के साथ समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर मैसेज कि आप अस्थमा को दबाएं नहीं, एलर्जी को दबाएं नहीं, पूरी तरीके से इसे जड़ से समाप्त करें। मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए जो एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काफी आसान ट्रीटमेंट, बिना किसी साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट, फास्ट ट्रीटमेंट, पहले दिन से आपको फर्क पड़ने का पूरा उम्मीद है। अगर आपका बॉडी रिस्पॉन्स कमजोर है तो हमारे पास उसमें 50 लाख पावर तक की दवाइयां लगेगा तो हम लोग आपको और हाई पावर पर ट्रीट करेंगे, आपके बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से, आपकी पैथोलॉजी के हिसाब से हम उस बीमारी पर अटैक करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा
हमारा ये जो प्रयास है कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का होम्योपैथी का जो नया तरीका है उसको यूज करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट ने एक महीने से छह महीने का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ किया, हमें पूरा उम्मीद है कि हम आपको भी इस तरीके से काफी सारे एलर्जिक प्रॉब्लम से बचा पाएंगे और जीवन भर दवाई खाने से भी बचा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो आपको परमानेंट ट्रीटमेंट देता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी को दबाने के बजाय अंदर से भी मेंटेन करता है, पूरी तरीके से ठीक भी करता है और ऊपर से भी पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, और बिना साइड इफेक्ट का फास्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम आपके मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं, आपके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं, और आपका बॉडी रिस्पॉन्स और आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट होता है तो आपको बाहर से कई प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के सप्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें अगर हम कहना चाहें कि अगर किसी पेशेंट को चार या पांच प्रकार की बीमारी है तो आप उसको मिलाकर एक ही कंपाइल्ड किट में उन सभी प्रॉब्लम्स का एक साथ समाधान ले सकते हैं, ताकि आपको चार या पांच प्रकार के डॉक्टर्स के लिए जो विजिट करने की मजबूरी है, उनकी दवाइयां खाने की मजबूरी है या काफी सारे केमिकल साइड इफेक्ट्स होने की जो चांसेस होते हैं उससे भी आप अपने आप को बचा पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना काफी सारा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर काफी सारे पैसों की बचत भी कर पाते हैं, और ताउम्र जो इन सभी परेशानियों को आपको मजबूरी के साथ इन्हें जो दबाने की मजबूरी पड़ रही है उससे भी आप पूरी तरीके से अपने आप को निकाल पाते हैं। और जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट, चाहे वो क्रिटिकल केस हैं, कैंसर, किडनी फेल, हॉस्पिटलाइज पेशेंट, कोमा के पेशेंट, हॉस्पिटल में जो गंभीर रूप से भर्ती मरीज हैं, चाहे वो सर्जरी वाले पेशेंट्स को बचाने की कहानी हो या फिर ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें जीवन भर दवाई चलने की मजबूरी होती है, इम्यूनोसप्रेशन, स्टेरॉइड्स और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयों के लिए मजबूर होना पड़ता है, या फिर काफी सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, आपके माइग्रेन, इस तरीके से काफी सारे लाइलाज बीमारी जो कि दुनिया में ताउम्र दवाई लेने के लिए मजबूर करते हैं, आप इन सभी बीमारियों का या 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज लीजिए। आज के डेट में मेरा यह पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ये 3000 पेशेंट हमारे लिए जो क्योर होकर आज भी दुनिया के सामने खड़े हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी का ये जो रिसर्च जो डॉक्टर ग्रेट हनीमन ने हमें होम्योपैथी के फॉर्म में हमें जो दिया था उसको हमने किसी भी तरीके से थोड़ा सा एडवांसमेंट लेकर उसको मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट में लॉन्च किया, ताकि हम दुनिया के सभी क्रिटिकल केस को, सर्जिकल केस को, कॉम्प्लिकेट केस को, इनक्यूरेबल केस को और पैथोलॉजिकल केस को, इवन इररिवर्सिबल चेंजेस वाले जो बीमारियां हैं या जिंदगी भर सेवन करने वाली जो दवाइयां हैं उसको बचाने के लिए कुछ नया कर सकें। और ये जो हमारा प्रयास था ये पूरी तरीके से आज के डेट में सफल होने जा रहा है, करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट खड़े हो चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रिया यादव जी ने अपने 5 साल पुराने अस्थमा का प्रॉब्लम का निराकरण केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट से लिया, इस तरीके से अगर आपको लगता है कि इस पूरे 300 बीमारियों के लिए अगर किसी भी पेशेंट को अगर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से उन्हें फायदा दिया जा सकता है तो इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज है कि इस ट्रीटमेंट का उपयोग आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में लें। हमें पूरा विश्वास है कि पहले दिन अगर आप इस किसी प्रकार की बीमारी के लिए अगर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बीमारी को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित तौर पर आप पहले महीने या दूसरे महीने भी इन सभी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास लेट आते हैं, अगर कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है, आपको आराम नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपको जिस दिन यह जानकारी मिले आप निश्चित तौर पर इसका फायदा लीजिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपकी सभी दवाइयों को बंद कराने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का बैकअप देंगे और एक लेवल ऐसा आएगा कि जब आपकी सभी दवाइयां बंद हो पाएगी और आगे जाकर हमारी दवाइयां भी बंद होकर आप बिना किसी दवाइयों के भी रह पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इंदौर में आकर आप हमसे डायरेक्ट किसी भी प्रकार की 300 बीमारियों के लिए बात करना चाहें तो इंदौर में जंजीरवाला चौराहे स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर बात करें और फेस टू फेस कंसल्टेशन लेकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं और अपनी डिटेल्स हैं हमें प्रेषित कर दीजिए, हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए रिपोर्ट्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसको हम कुरियर के माध्यम से आपके घर तक भेज पाएंगे और निश्चित तौर पर घर बैठे भी लगभग 300 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी में आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों का जो सेवन करने की मजबूरी या सर्जरी कराने की मजबूरी या क्रिटिकल प्रॉब्लम से जो तकलीफ होने की स्थिति आ रही है उससे निश्चित तौर पर फायदा देकर आपको बचा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और जीवन भर बिना किसी दवाई के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां न केवल अस्थमा बल्कि किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी पर तुरंत अपना असर दिखाती है और इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध हुई हैं। तो दोस्तों ये थी प्रिया यादव जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से अस्थमा पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट
इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।